नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 फरवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली रिक्तियां। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में चैनल मैनेजर, फैसिलिटेटर, चैनल मैनेजर, सुपरवाइजर के 22 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास SBI और EAB या अन्य समान संगठनों के स्केल 1 से 4 सेवानिवृत्ति अधिकारी या लिपिक कर्मचारी इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, किसानों के हित में MSP। बीते दिन PMCH के पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने किसान आंदोलन पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के हित में MSP कभी खत्म नहीं होगी, यह बात आरंभ से कही जा रही है। इसके अलावा किसानों को यह आजादी होगी कि वो अपना अनाज जहां चाहे वहां बेच सकते हैं, यह किसानों के हित में है। उम्मीद है कि बातचीत के बाद किसान संतुष्ट हो जाएंगे। किसानों के हित के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। कुछ राज्य की सरकार बस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। दरोगा सार्जेंट के रिजल्ट पर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। आयोग के OSD संजय कुमार ने इस संबंध में कहा है कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही कुछ असफल अभ्यर्थियों और तथाकथित छात्र नेताओं द्वारा रिजल्ट के संबंध में भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि एक सीरीज में कई रोल नंबर वाले परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया है, जबकि आयोग इसे अफवाह बता रहा है। आयोग का कहना है कि मुख्य परीक्षा में 15,231 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का 33% है। एक तिहाई अभ्यर्थी के सफल होने पर संभव है कि एक ही सीरीज में कई लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थी सफल हो सकते हैं। आयोग अब ऐसे भ्रम फैलाने वाले YouTube चैनल पर बैन लगाने की कार्रवाई करेगी। अब खाद, बीज और कीटनाशी के डीलरों को मापतौल का लाइसेंस लेना होगा। राज्य में खाद, बीज और कीटनाशी के डीलरों के लिए मापतौल का लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया जाएगा। साथ ही जैविक खाद की व्यवसायिक इकाई लगाने वाले और इसके व्यापार से जुड़े डीलरों के लिए भी लाइसेंस जरूरी होगा। कृषि विभाग ने खाद, बीज, कीटनाशी व्यापार में हो रही गड़बड़ियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा विभाग ने कालाबाजारी को रोकने के लिए भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। आवेदन करने के 1 महीने के भीतर लाइसेंस निर्गत कर दिए जाएंगे। बिहार के सरकारी ITI में पुराने ट्रेड की जगह खुलेंगे नए ट्रेड। सभी सरकारी ITI में 2 से 3 महीने में नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। जिन ट्रेडों में छात्र की संख्या बहुत कम है, ऐसे पुराने सभी ट्रेड को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अब 10 नए ट्रेड को शुरू किए जाएंगे। साथ ही सभी सरकारी ITI में छात्र छात्राओं को सोलर प्लेट लगाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं राज्य सरकार सभी सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम लगाएगी, ताकि पारंपरिक रूप से बिजली का खपत कम हो। श्रम संसाधन विभाग ने कहा है कि नए ट्रेड के आने से छात्रों का रुझान भी बढ़ेगा और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर तैयार होंगे। पंचायत चुनाव में वोटरों की सुविधा के अनुसार तैयार होंगे बूथ। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग ने वोटर की परेशानी को देखते हुए बूथ तैयार करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बूथ की स्थिति की समीक्षा की है। इसके साथ ही आयोग ने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी बूथ मुखिया के घर से 100 मीटर के अंदर में ना हो। साथ ही मतदाता को वोट देने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। साथ ही जर्जर भवन में बूथ का निर्माण ना हो, जरूरत पड़ने पर चलंत बूथ का गठन हो, इत्यादि चीजों का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अंतिम मतदाता लिस्ट को प्रकाशित करने वाले सॉफ्टवेयर की भी समीक्षा की गई है। बता दें कि अंतिम लिस्ट 19 फरवरी को जारी होगी। इंद्रपुरी पनबिजली परियोजना का काम अगले महीने हो सकता है शुरू। राज्य की सबसे बड़ी इंद्रपुरी पनबिजली परियोजना जल्द ही बराज बन जाएगी, जिसे लेकर अगले कुछ महीनों में स्वीकृति मिलने की संभावना है, जिसके बाद बराज बनाने की प्रक्रिया का आरंभ हो जाएगा। आपको बता दें कि बराज बनने से 8 जिलों के किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही पनबिजली परियोजना की भी शुरुआत होगी, जिसका लक्ष्य करीब 190 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। बराज की DPR पिछले साल ही बन जाती है, लेकिन कोरोना संकट के कारण इसमें देरी हुई। आपको बता दें कि CM नीतीश कुमार ने फरवरी 2017 में ही रोहतास दौरा के वक्त इस जलाशय योजना के जीर्णोद्धार का निर्देश दिया था।
दरभंगा में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और शूटिंग रेंज। दरभंगा का राज परिवार जिले में और राज्य भर में खेलों की पुरानी गरिमा को लौटाने की कोशिश कर रहा है। इसकी कवायद में राज परिवार के कुमार कपिलेश्वर सिंह ने दरभंगा में अपनी जमीन पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक शूटिंग रेंज बनाने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने सरकार से भी मदद मांगी है। इस घोषणा के बाद से दरभंगा के खिलाड़ी एयर रेल प्रशिक्षकों में खुशी की लहर देखने को मिली। कई खिलाड़ियों का मानना है कि प्रैक्टिस के लिए सुविधाओं का अभाव है और एक ढंग का मैदान भी नहीं है। सरकार ने इस दिशा में उदासीन रवैया रखती है। वहीं अब उम्मीद जागी है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और शूटिंग रेंज बनने से खिलाड़ियों को काफी सुविधा होगी। शिक्षकों के नियोजन के लिए नए सिरे से होगी काउंसलिंग। शिक्षकों के नियोजन के लिए नए प्रक्रिया से काउंसलिंग की जाएगी। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसके तहत बनाई गई कमेटी प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का काम करेगी। पारदर्शिता के अभाव में शिक्षक नियोजन को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, साथ ही दस्तावेजों में भी हेरफेर की बात सामने आती रहती है। आपको बता दें कि राज्य में 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया काउंसलिंग के अभाव में कई महीनों से अटकी है। इसी के तहत शिक्षा विभाग ने नए सिरे से काउंसलिंग करने की कवायद शुरू की है। बिहार में अब नगर निकायों में तय होगी पानी सप्लाई की समय सीमा। नल जल योजना के तहत नगर निकायों में पानी सप्लाई की समय सीमा को निर्धारित करने की पहल शुरू कर दी गई है। इस क्रम में नगर विकास और आवास विभाग ने सभी नगर निकायों से अपने क्षेत्र का अध्ययन कर रिपोर्ट देने की बात कही है। इसमें यह फैसला लिया जाएगा कि उनके क्षेत्र में पानी सप्लाई की समयावधि कब से कब तक होगी, जिसके बाद ही विभाग स्तर पर समीक्षा होगी और फिर विभाग समय सीमा को लेकर सर्कुलर जारी करेगा। इसमें एक हफ्ते का समय लग सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया था कि निकायों में पानी सप्लाई का समय तय किया जाए। इसको लेकर सेल का गठन नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से किया गया था। बिहार के मुख्य सचिव ने बनाया रिकॉर्ड। बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने अपने पद पर लगातार 3 बार बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। दीपक कुमार का मुख्य सचिव के रूप में 3री बार भी एक्सटेंशन मिला है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव के 6 महीने का सेवा को विस्तार करते हुए केंद्र सरकार से सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि अभी तक 3री बार एक्सटेंशन मिलने से संबंधित पत्र जारी नहीं हुआ है। इसका आधिकारिक पत्र जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। दीपक कुमार वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और CM नीतीश के काफी करीबी और विश्वासी माने जाते हैं, लिहाजा नीतीश सरकार ने लगातार 3री बार भी इनके नाम की सिफारिश की है। बिहार के आम लोगों के लिए शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन। राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरे फेज में टीका लगाया जा रहा है। वहीं अब सिविल सर्जन कार्यालय के मुताबिक राजधानी में दूसरे फेज के वैक्सीन देने का टारगेट 14 फरवरी तक रखा गया है, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आम लोगों को भी जल्द ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि अभी पहले 50 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोगों और गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन लगनी है। आपको बता दें कि इससे पहले 35,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी 9 फरवरी तक कर दिया गया है। रात में तापमान में फिर से आएगी कमी। देश के उत्तरी भाग में पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने से बिहार में अगले 48 घंटे तक रात में ठंड का असर दिखेगा और पारा लुढ़केगा। IMD पटना ने आधिकारिक पुष्टि की है, जिसके अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान रात में 1 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वहीं इसके उलट दिन के समय में तेज धूप रहेगा, जिसके कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही राज्य के अधिकतर जिलों में दिन रात कोहरा छाया रहेगा। पछुआ हवा बहने के साथ ही आसमान बिल्कुल साफ रहेगा और दिन में गर्मी भी महसूस होगी। 16 महीने में गंगापथ और PMCH हो जाएंगे कनेक्ट। अगले साल जून तक गंगापथ से PMCH को कनेक्ट करने का काम पूरा हो जाएगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम के MD पंकज कुमार ने इसके लिए बनने वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य की समीक्षा की है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि PMCH में गंगापथ को जोड़ने के लिए 1.12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनेगा, जिसकी लागत 131 करोड़ है। पहले चरण में दीघा से AN सिन्हा इंस्टीट्यूट को इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एलिवेटेड रोड बनने से बिहार के अन्य जिलों से आने वाले मरीजों को PMCH पहुंचने में सहूलियत होगी। खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र से पटना PMCH आने वालों के लिए सफर आसान हो जाएगा। स्वच्छता सर्वे की टीम अगले महीने करेगी बिहार का दौरा। अगले महीने शहर की स्वच्छता को लेकर सर्वे करने वाली टीम बिहार आ सकती है। इस दौरान सर्वे में टीम के द्वारा लोगों से स्वच्छता को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही शहर के साफ सफाई की स्थिति के बारे में भी जानकारियां ली जाएंगी। टीम के द्वारा स्वच्छता को लेकर सर्वे करने के बाद अंक दिए जाएंगे। जिस शहर में साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, नाला गंदगी इत्यादि दुरुस्त नहीं रहेगी, उसका असर सर्वे टीम द्वारा मिलने वाले रेटिंग पर भी पड़ेगा। इसको लेकर राजधानी पटना के कई मुख्य इलाकों में, खासकर स्टेशन रोड, GPO, गांधी मैदान, मीठापुर, बस स्टैंड इलाकों में निगम साफ सफाई पर ध्यान दे रहा है।
मधेपुरा के सामा चकेवा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के पर्यटन स्थल में आपको कई रमणीय स्थल देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको बिहार के पर्यटन स्थल में मधेपुरा जिले के सामा चकेवा के बारे में बताएंगे। मधेपुरा जिले का सामा चकेवा पर्व काफी प्रसिद्ध है। यह पूरे मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह पर्व नवम्बर माह के शुरू होते ही शुरू हो जाता है और 8 दिनों तक लगातार चलता है। इस पर्व का संबंध भाई बहनों के प्यार से है। इसके पीछे एक कहानी है जिसमें भाई अपनी बहन को श्राप से मुक्त कराता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। 19वीं सदी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्ता ने 1824 में ईसाई धर्म अपनाया था। भारत में 1931 में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट आज ही के दिन जारी किया गया था। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू आज ही के दिन किया गया था। अपोलो 14 मिशन 1971 में चांद से पृथ्वी पर आज ही के दिन लौटा था। भारतीय निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ 9 फरवरी 1999 को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी। भारत सरकार ने बिट्टी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर 9 फरवरी 2010 को अनिश्चितकाल के लिए रोक लगाई थी। भारतीय अभिनेत्री अमृता सिंह का 9 फरवरी 1958 में जन्म हुआ था। 1899 में स्वतंत्रता सेनानी बालकृष्ण चापेकर और साल 2006 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री नादिरा ने दुनिया को आज ही के दिन अलविदा कहा था। अमित शाह के पक्ष में दिखे जदयू। गृहमंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र में दिए गए बयान पर अब जदयू का रिएक्शन आया है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान का अब जदयू ने समर्थन किया है। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान सही है। चुनाव के समय भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर दिया था, उसे आगे बढ़कर पूरा किया है। लेकिन शिवसेना ने महाराष्ट्र में जिस तरह से अलग गठबंधन की सरकार बनाई है, उसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बिहार में भाजपा और जदयू के मजबूत गठबंधन की बात कही थी। पूनम प्रिया चौधरी ने प्रपोज डे पर नीतीश सरकार से की खास अपील। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है, वहीं वैलेंटाइन वीक का असर अब बिहार की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में प्लूरल्स पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी अनोखे अंदाज में प्रपोज डे के अवसर पर खास अपील की है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि वैलेंटाइन सप्ताह चल रहा है, मुख्यमंत्री जी आज प्रपोज डे है और 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति के प्रपोजल पर आपकी नजरें इनायत है। मेरा प्रपोजल ये है कि अगर सरस्वती पूजा तक नियुक्ति हो जाए तो 94,000 परिवारों के आप वैलेंटाइन होंगे। बिहार झारखंड में अब आसानी से होगा ईपीएफओ से जुड़ा हर काम। बिहार झारखंड में अब आसानी से ईपीएफओ से जुड़ा हर काम होने वाला है। इसको लेकर विभाग जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाला है, जिसके लिए 14 नए अधिकारियों को प्रोन्नत किया जाएगा। बिहार के 5 और झारखंड के 9 अधिकारियों को प्रोन्नति के बाद नए अधिकारियों की नियुक्ति अप्रैल महीने तक संभावित की गई है। इससे बिहार झारखंड कार्यालय के कामकाज में सुधार होगा और ईपीएफओ के सदस्यों को कम समय में मामले का निपटारा करना होगा। राजस्व विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाते में योगदान करने वाले 4.5 करोड़ अंशधार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को सीबीएसई दे रही है रजिस्ट्रेशन का एक और मौका। सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए एक अच्छा फैसला लिया है। जो छात्र कोरोना काल के कारण किसी कारणवश स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाए थे और रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके थे, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने का एक और मौका दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 13 फरवरी 2021 है। आपको बता दें सीबीएसई की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी स्कूल और उनके संगठनों से आग्रह किया गया था कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए ताकि किसी वजह से छूटे हुए बच्चे एडमिशन पा सके। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के डेटा में सुधार भी किया जा सकता है। सीबीएसई के इस फैसले से कई बच्चों का सत्र बर्बाद होने से बच जाएगा। राखी सावंत की मां ने राखी को बिग बॉस क्विट करने की दी नसीहत। बीते दिनों दिखाए गए एपिसोड में राखी सावंत, अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। कुछ एपिसोड पहले ही राखी सावंत ने अभिनव शुक्ला को बुरा भला कहा था, जिस पर ही रुबीना ने बाल्टी भर पानी राखी के ऊपर फेंक दिया था, जिसको देखकर राखी की मां काफी ज्यादा भावुक नजर आई थी। इसके तहत राखी सावंत के भाई ने बताया कि इस एपिसोड के बाद काफी ज्यादा मां दर्द में है और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। उन्होंने रोते हुए कहा था कि राखी को बिग बॉस छोड़ देना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने मुझसे मेकर्स से बात करने की अपील भी की थी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच पहुंचा रोमांचक दौर में। चेन्नई में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 39 रन बनाए हैं। भारतीय टीम इंग्लैंड द्वारा दिए गए 420 रनों के लक्ष्य से 381 रन पीछे है। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 578 रन बनाए थे, जिसमें जो रूट ने 218 रनों की पारी खेली थी, जबकि भारतीय टीम पहली पारी में 337 रन ही बना पाई थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 178 रन पर ढेर हो गई थी। सबसे ज्यादा रन कप्तान जो रूट ने बनाए थे, जबकि आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 6 विकेट झटके। इसके अलावा ईशांत शर्मा टेस्ट मैच में भारत की तरफ से 300 विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं।
गया विष्णुपद स्थित शमशान घाट होंगे प्रदूषण मुक्त। गया के विष्णुपद स्थित शमशान घाट को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में मशीन से शवदाह की व्यवस्था की जा रही है। मशीन से शवदाह के बाद निकलने वाले धुएं को भी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त रखने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अलग से एक मशीन को शवदाह मशीन में लगाया जाएगा जो कि धुआं को फिल्टर करेगा। इसके साथ ही मशीन से अंतिम संस्कार करने के दौरान लोग सारे धार्मिक प्रक्रियाएं भी पूरी कर सकेंगे। दाह संस्कार के बाद अस्थियों को एकत्रित करके सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि गया नगर निगम की तरफ से शमशान घाट में मशीन लगाने, परिसर में वेटिंग हॉल बनाने, दुकानों के निर्माण और पार्क को विकसित करने में 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बिहार में बनेंगे 4 नए विश्वविद्यालय। बिहार सरकार 4 नए यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाली है। इसके लिए विधानसभा में आगामी बजट सत्र में बिल पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हर यूनिवर्सिटी एक अलग स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम की होगी। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से मिली है। सूत्रों के अनुसार चारों बिल पर काम अपने चरम पर है और जल्द ही अपने अंतिम रूप में आ जाएगा। इनमें से एक यूनिवर्सिटी खासतौर पर मेडिकल की होगी और दूसरी इंजीनियरिंग की होगी। आपको बता दें बाकी की 2 यूनिवर्सिटी आर्ट और कल्चर एवं स्पोर्ट्स के लिए खोली जा सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल कुमार, गुड्डू शाह, भरत प्रसाद, संदीप साध, मनीष मोरा, असलम राज, नवीन कुमार, गजेंद्र सिंह, धर्मवीर शाह, मनीष शर्मा, संजय कुमार, सबा खान, मुकेश कुमार, रवि कुमार, पवन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मैच के 4थे दिन के खेल खत्म होने के बाद भारतीय टीम के मैच जीतने के आसार है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।